हमारा देश एक रहे, अखंड रहे। सरदार साहब ने हमें जो देश दिया है उसकी एकता और अखंडता 125 करोड़ देशवासियों का दायित्व है, 125 करोड़ देशवासियों की जिम्मेवारी है। और इसलिए सरदार पटेल को हम, उनका पुण्य स्मरण, देश की एकता के लिए उन्होंने जो भगीरथ कार्य किया है उसके साथ जोड़ करके करना चाहिए। कैसे उन्होंने देश को एक किया, हर पीढ़ी को पता होना चाहिए। और उसी बात को लेकर के आज 31 अक्टूबर सरदार साहब की जन्म जयंती हम मना रहे हैं। 8 साल के बाद सरदार साहब की जयंती के 150 साल होंगे। जब सरदार साहब की जयंती के 150 साल होंगे तब हम देश को एकता की वो कौन सी नई मिसाल देंगे, जन जन के भीतर एकता के उस भाव को किस प्रकार से प्रबल करेंगे, उन संकल्पों को लेकर के हमने चलना होगा।